है एवरीवन, वेलकम टू मीरू किचन। आज जो रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आप लॉकडाउन के चलते घर पर आराम से बना सकते हैं। ये रेसिपी थोड़ा यूनिक है पर खाने में बहुत ही यमी है। तो आइए पिज़्ज़ा पूरी बनाना शुरू करते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने एक बारीक कटा हुआ कांदा, टमाटर और एक शिमला मिर्च लिया है। गैस पर कढ़ाई रखें और उसमें 4 चम्मच ऑयल गरम होने के लिए रख दें। ऑयल गरम होने के बाद आप उसमें कटा हुआ कांदा डाल दें और उसे हम ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, उसे हम सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। थोड़ा सा भून जाने पर आप उसमें टमाटर डाल दें और इसे भी हम थोड़ा सा ही भून लेंगे। फिर आप उसमें कटी हुई शिमला मिर्च डाल दें और उसे आप अच्छे से चला लें 1 से 2 मिनट के लिए, और ये सारी चीज़ों को हम मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। फिर उसमें 1 चम्मच नमक डाल दें, 1 चम्मच लाल मसाला या घर का लाल मसाला डाल दें, और फिर आप उसमें 1/4 चम्मच हल्दी डाल दें और इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से चला लें और इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। अब आप देखिए अच्छे से भून चुका है, तो हम गैस को बंद कर लेंगे। अब आप फॉइल पेपर ले और उसे आप नीचे रख दें। फिर आप पानी पूरी की जो पूरी होती है वो ले और उसे आप बीच में इस तरह से तोड़ लें। और यहाँ पर मैं सारे पूरी को इस तरह से ही तोड़ लूंगी। अब आप देखें सारी पूरी टूट चुकी है, तो एक पूरी ले और उसमें जो हमने भाजी बनाकर रखी है उसे आप डालते रहे। आप चाहे तो पूरी के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं, जिसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी वीडियो आपको मेरे सैंडविच और ब्रेड पिज़्ज़ा के अंदर मिल जाएगी। सब पूरी में भर के हो जाने के बाद आप चीज़ लें और उसके ऊपर इस तरह से खींच लें। चिली फ्लेक्स ले और उसे आप अपने हिसाब से डालें कि आपको कितना तीखा चाहिए। तो यहाँ पर मैंने गैस पर पैन रख दिया है गरम होने के लिए, एकदम लो फ्लेम पर आप रख दें उसे। फिर आप पूरी को फॉइल पेपर के साथ ही पैन के ऊपर रख दें इस तरह से, और गैस की फ्लेम को आपको लो ही रखना है। फिर आप इसे ढककर रख दें 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आप देखें जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तो आप गैस को बंद कर दें। फिर उसे आप एक प्लेट पे निकाल लें और ये जितना देखने में यमी है उससे ज़्यादा खाने में है। तो जो हमारा पूरी पिज़्ज़ा है वो बनकर रेडी हो चुका है। आई एम श्योर ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह और अच्छी अच्छी रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।